नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सोनलता बरगोतिया और हम पढ़ रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की पिछली क्लास में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ये किस तरह से होता है, क्या कंडीशन इसके लिए नेसेसरी है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के लिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि क्या फिनोमेनन होता है और इसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और इसके जो आइसोमर्स बनते हैं उनको रोटामर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन को पढ़ने से पहले मैं जो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करती हूँ आपसे। ब्यूटेन के स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। C4H10 को कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। हमारे पास 4 कार्बन है और हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। अब हमने पढ़ा था कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए हमें स्टडी करना है ओनली 2 कार्बन के बीच, यानी 2 कार्बन को हम रिजिड रख देंगे। हम 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट की बात करेंगे और जितने भी कार्बन जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको हम साइड चेन के रूप में ट्रीट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं जो 2 एंड 3 कार्बन है उसको रिजिड कर देती हूँ और जो बचे हुए जो 1 एंड 4 कार्बन हैं उनको मैं एज अ साइड चेन ट्रीट करूँ तो ये हमारे साइड एल्काइल ग्रुप्स माने जाएंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूं। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड कार्बन को इस तरह से लिखूं, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन को, कि एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन जो ग्रुप्स हैं वो हमें दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन अलग से दिख रहे हैं, पर ये जो एल्काइल ग्रुप है उसको हमने कंसाइज ब्रीफ जो है CH3 फॉर्म में, अल्काइल फॉर्म में लिख रखा है। अब अगर मैं इनको डिफरेंट कलर्स से आपको दिखाऊं, इसी को मैं अगर आपको कलर्ड फॉर्म में दिखाऊं तो ये हमारे लिए जो है देखना इजी हो जाएगा कि हम किस बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं, हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो हम 2 एंड 3 कार्बन का जो बॉन्ड है उसको स्टिल रखते हैं और 2 सेकेंड जो कार्बन है या तो उसके ग्रुप्स को रोटेट करें या फिर 3rd कार्बन है उसके ग्रुप्स को रोटेट करें। तो अगर मैं आपको इसी का बॉल एंड स्टिक डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों कि हमारे पास है, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस पे हैं C2 कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन C2 कार्बन पे हैं और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं वो हमारे C3 कार्बन पे हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे C3 कार्बन पे हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह दिखेगा। 4th वैलेंसी है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जस्टिफाई हो रही है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जस्टिफाई हो रही है। इसके बाद में अब मैं C2 जो कार्बन है आगे का कार्बन उसको मैं रोटेट करूँगी रिस्पेक्टिव टू पीछे वाले कार्बन को और इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने इथेन में किया था, हम रिलेटिव पोजीशंस देखेंगे बॉल्स की कि आगे की बॉल्स पीछे की बॉल्स के कंपैरिजन में किस तरह से पोजिशन में आ रही हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ग्राफ के फॉर्म में भी बता सकते हैं हम इसे, या पहले हम पोजीशंस देख लेते हैं।
इसमें सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि जो CH3 जो ग्रुप्स हैं, CH3 जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ही बल्कि ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बहुत छोटे हमारे पास ग्रुप अटैच्ड हैं, और इसके कंपैरिजन में जो CH3 अल्काइल ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप माना जाएगा। तो जब ये जो अल्काइल ग्रुप पास में रहते हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, यानी फर्स्ट स्टेज ऐसी है, अगर ये बिल्कुल पास है तो ये स्टेज ऑफ मैक्सिमम रिपल्शन मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्टेज में अगर मैं इसको मैक्सिमम दूर करूँ, सबसे ज़्यादा दूर ये इस एंगल पे आएंगे जब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये दूर है, यानी इस स्टेज में। ठीक है, यानी ये इनका मैक्सिमम डिस्टेंस है जब ये दूर से दूर हो सकते हैं, तो ये स्टेज पे है कि इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज है। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज है। तो अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं, फर्स्ट हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो हम डिग्री ऑफ रोटेशन और हम प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बीच, जो कि है किलो कैलोरी पर मोल में। तो अगर मैं जीरो डिग्री पे मिनिमम जो है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये मिनिमम एनर्जी का डायग्राम होगा, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है। तो जो हमारी फर्स्ट जो डायग्राम है जहाँ पे ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है उसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करती हूँ जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है CH3 H और फिर हमारे पास है CH3 H। ठीक है बच्चों, तो हमने ये वाली स्टेज देखी जब यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरे के बीच में हमें दिखाई देते हैं और जो अल्काइल ग्रुप है वो एक मैक्सिमम ग्रुप में दिखाई देते हैं। ये हमारी स्टेज है मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज, जो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम स्टेबिलिटी की उसमें ड्रॉ करते हैं, ये है मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है। उसके बाद अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करूँ या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँ तो दोनों एक ही हमें पोजिशन मिल रही है। ठीक है, एक ही पोजिशन मिल रही है क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है वो पीछे वाले ग्रुप के फ्रंट में ओवरलैप कर रहा है। तो मैं इसे एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के वक्त हम ये देखते हैं कि ये इस फॉर्म में हमें मिलता है। तो जो नेक्स्ट जो डायग्राम मैं बनाऊंगी वो कुछ यहाँ बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर आके ओवरलैप कर जाएगा। ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है पहले ये इस तरह से था, ठीक है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, इसके ऊपर आके ओवरलैप कर जाएगा। ये हमारे पीछे के हाइड्रोजन है, ये हमारा पीछे का मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा पीछे का हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके ओवरलैप करने के बाद ये एक थोड़ी सी, अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में यहाँ तक लेके जाऊँ तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है, जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे के ऊपर हल्का सा ओवरलैप कर रहे हैं, इसकी वजह से इसमें कुछ टॉर्जनल बैरियर है वो क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ इसको एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये यहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में अगर मैं इसको, हमारे पास ये स्टेज थी, नेक्स्ट फॉर्म में अगर मैं इसको घुमाऊँ तो फिर एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स बीच की स्टेज में पहुँच जाते हैं, यानी ये CH3 कहीं
यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं तो ये कुछ यहाँ एग्जिस्ट करेगा और हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि हमारे पास आगे का कार्बन है और ये पीछे का कार्बन है। फिर अगर मैं इसको हल्का सा घुमा रही हूँ तो ये CH3 यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो एक फॉर्म ऐसी आती है जब ये सारे ग्रुप्स बीच में दिखाई देते हैं, हालांकि इनके बीच में अभी भी रिपल्शन है क्योंकि ये कुछ कुछ ही दूरी पे स्थित हैं। नेक्स्ट जो प्लॉट आएगा वो आएगा ऐसा जहाँ पे ये जो बल्कि ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को मैक्सिमम ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये स्थिति है जहाँ पे ये ग्रुप एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। CH3H और H और फिर यही जो है CH3H और H, यानी ये स्टेज ये वाली है, ठीक है। तो ये स्टेज जो होगी वो होगी मैक्सिमम एनर्जी की स्टेज और मिनिमम इंस्टेबिलिटी की स्टेज, क्योंकि ये फुल्ली इक्लिप्स्ड की स्टेज है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम दोनों मिथाइल ग्रुप को आमने सामने रख सकें, ठीक है। इसका टॉर्शनल बैरियर है वो और ज़्यादा होगा क्योंकि इसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, बजाय कि ये वाले गॉस फॉर्म के जहाँ इसको रिस्पेक्टिवली कम एनर्जी चाहिए होगी। तो ये स्टेज जो होगी वो होगी मिनिमम इंस्टेबिलिटी की स्टेज, मिनिमम स्टेबिलिटी की स्टेज। आगे फिर मैं इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाती हूँ तो मुझे वापस एक नया गॉस फॉर्म मिलता है, जिसमें वापस मैं अगर इसको फिर से घुमाती हूँ तो वापस उसी गॉस फॉर्म पे हम पहुंच जाते हैं। देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, और एज इट इज जो पीछे वाला मिथाइल ग्रुप है वो वहीं रहेगा, ठीक है। ये दोनों जो हमारे हैं इक्विवेलेंट हैं, ये इनको हम कहते हैं गॉस या स्कू फॉर्म्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो भी इक्लिप्स्ड की स्टेज होगी। ये तो है फुली इक्लिप्स्ड की स्टेज, और ये है फुली स्टैगर्ड की स्टेज। ये कुछ है, ये इक्लिप्स्ड की स्टेज है क्योंकि इक्लिप्स तो है लेकिन ये हाइड्रोजन से इक्लिप्स्ड है, ये आपस में मिथाइल ग्रुप से इक्लिप्स्ड नहीं है, इक्लिप्स्ड की स्टेज, और वो है फुली इक्लिप्स्ड की स्टेज। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो भी जो नेक्स्ट इक्लिप्स स्टेज के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि वापस ये अपने हाइड्रोजन के इधर आ जाएगा CH3HH, और इसके बाद हम अगर पीछे वाले मिथाइल को ड्रॉ करें CH3HH, ये भी हमारी जो है वो है इक्लिप्स्ड की स्टेज। तो ये जो छह जो हमारे पास आए हैं आइसोमर्स आए हैं, कन्फर्मर्स आए हैं, अगर इनका हम एनर्जी बैरियर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो है फुली इक्लिप्स्ड का, वो है 5 kcal/mol, और जो इक्लिप्स्ड का जो है वो है 3.4 kcal/mol, और जो गॉस फॉर्म का है वो है 0.8 kcal/mol, ठीक है। तो ये जो किलो के जो मैंने आपको एनर्जी डायग्राम दिखाया है वो एक्चुअली बताता ये है, ये इसका टॉर्शनल बैरियर है। टॉर्शनल बैरियर मतलब ये है कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए इस पोटेंशियल लेवल में आने के लिए।
अब ये जो जैसे कि हमने इथीन में डिस्कस किया था, वहां हमने डिस्कस किया था 12, उसका जो अमाउंट था वो था 12, क्योंकि जो पर बॉन्ड के थ्रू जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है वो 4, नियरली 4 का बैरियर होता है। तो अगर हम दो कार्बन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो 4 4 करके हम यहाँ पे 12 कैलकुलेटेड था। उसी तरह से हमने इनको कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंटल से हमें पता है कि ये 3.4 इक्लिप्स फॉर्म में हमें चाहिए, ये भी 3.4 है, ये इक्लिप्स स्टेज में चाहिए, और ये है 0.8, गॉश बॉन्ड्स जो होते हैं वो 0.8 पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम जो एनर्जी बैरियर वो होता है हमारा फुल्ली इक्लिप्स्ड के लिए, और जो मिनिमम जो हमारा एनर्जी बैरियर है फुली स्टेगर्ड के लिए, क्योंकि ये स्टेज होती है हमारी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की। तो ये था हमारा कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। आगे की आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सो थैंक यू।